Good morning everyone. Yes, today I am going to start a new method of calculation of national income by expenditure method. According to this expenditure method, expenditure by way of purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year is called the expenditure method. ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस्ड हुए हैं, उन गुड्स को परचेस किया जाएगा. कहाँ पर? डोमेस्टिकली परचेस गुड्स को परचेस किया जाएगा, हम इसे कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड. जो भी गुड्स पर खरीदने पर खर्चा किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड को हम नोटेशन के थ्रू GDPMP के थ्रू दिखाएंगे. GDP मीन्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. क्या फॉर्मूला होता है GDPMP का? GDPMP का फॉर्मूला होता है कंजम एक्सपेंडिचर कौन करता है. चलिए देखते हैं एक्सपेंडिचर. एक इकोनॉमी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें कौन परचेस करेगा? सर, परचेस करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो भी प्राइवेट, जो भी हाउस होल्ड्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिविजुअल अगर गुड्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं. किस पर्पज़ के लिए? या तो कंजम्पशन के लिए. किस पर्पज़ के लिए? कंजम्पशन के लिए. या तो वो कंज्यूमर सर्विसेज लेते हैं, या फिर वो ड्यूरेबल गुड्स परचेस करते हैं, या फिर वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स परचेस करते हैं. किस पर्पस के लिए? कंजम्पशन के लिए. किस पर्पस के लिए करते हैं? कंजम्पशन के लिए. इसे हम कहेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो किसने एक्सपेंडिचर किया? सर, प्राइवेट पर्सन ने, एक इंडिविजुअल ने, एक हाउस होल्ड ने. किस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर किया? कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर किया. इसे हम किस फॉर्म में रखेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. चलिए देखते हैं. अभी मैं इसे थोड़ा सा स्कैप करता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ. पहला हमने देखा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकेंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट भी क्या करती है? कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर करती है. जैसे कि डिफेंस पर्सनल के लिए, को के कंजम्पशन के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर किया, फूड परचेस किया, और भी कई फॉर्म में उन्होंने एक्सपेंडिचर किया. इसे हम कहेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. चलिए अब देखते हैं कि इकोनॉमी में जो फिक्स्ड असेट्स प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द ईयर में, उन पर भी एक्सपेंडिचर होता है. उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. क्या कहेंगे हम इन्हें? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए क्या कहा. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाट इज द कैपिटल फॉर्मेशन? सर, जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर में जितनी न्यू एसेट्स जनरेट हुई है उसे हम क्या कहेंगे? जितनी भी न्यू फिक्स्ड एसेट्स जनरेट हुई है उसे हम कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हमने दो तरीके से, फाइनल जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं या तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होंगे या फिर वो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट होंगे. किसमें होंगे? या तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होंगे या वो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट होंगे. तो देखें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है? कौन है जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेगा? यस सर, पहला हो सकता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. जो प्रोड्यूसर एक फिक्स्ड असेट्स परचेस करता है अगेन फिर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम किस में रखेंगे? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में. सेकेंड, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड. जो हाउस होल्ड क्या करता है? अपने घर पर अपने रहने के लिए क्या कर रहा है? हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहा है. इसे हम कहेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. एंड थर्ड इज पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सर, गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, पब्लिक के लिए जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस फॉर्म में कर रही है? रोड बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनवाना, ये सब चीजें ये पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा. यदि हम तीनों पार्ट को, यदि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसमैन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. इसी को हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. अगर हम इसमें इन्वेंट्री के इन्वेस्टमेंट को बाय वे ऑफ चेंज इन स्टॉक के थ्रू अगर हम ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक मीन्स द क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. स्टॉक किसका हो सकता है? फिनिश गुड्स का हो सकता है, WIP का हो सकता है, फिक्स असेट्स का, ठीक है, सॉरी
किसका फाइनल गुड्स का, ठीक है, और जो गुड्स है एक्चुअल में प्रोड्यूस हो चुके हैं या फिर वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या किया मैंने, ओपनिंग स्टॉक किसका है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी ड्यूरिंग द ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट आपने ओवर किया, इसे हम कहेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इस चेंज इन स्टॉक को एड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए हम यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसे हम क्यों करेंगे एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं और इंडिया के डोमेस्टिकली गुड्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो वो कौन परचेस कर रहा है, एक्सपेंडिचर कौन कर रहे हैं, फॉरेनर्स कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, इंडिया के डोमेस्टिक गुड्स में वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और इम्पोर्ट आर एन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अब्रॉड। जो गुड्स है अब्रॉड में प्रोड्यूस्ड हुए हैं उससे हम जब इम्पोर्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो चलिए अब हम वापस एक शॉर्ट फॉर्म में इन्हें सब चीज़ों को दिखा देते हैं। अगर क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है तो हम इसे सी के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को आई के थ्रू, जी गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, एंड नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। चलिए अगर क्वेश्चन याद रखना बेटा, जी डी सी एफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये होता है जी डी सी एफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसे हम कहते हैं जी डी एफ सी एफ। दोनों में डिफरेंस होता है, जी डी सी एफ में चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी एड है, बट जी डी एफ सी एफ में हमें क्या करना होगा, चेंज इन स्टॉक को एड करना पड़ेगा, तब हम क्या बना पाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अगर वापिस से इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए, क्या क्या होगा, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन हाउस ऑफ बाय द हाउस होल्ड एंड पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो जी डी एफ सी एफ मिलेगा, चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे जी डी सी एफ, फिर हम गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर को ऐड करने वाले हैं और फिर हम नेट एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे, तो हमें जो मिलेगा उसे कहेंगे हम जी डी पी एम पी। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा उस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के, और लास्ट लेक्चर जब हम करने वाले होंगे तो हम सबसे पहले तीनों फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद फिर कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन में इनकम मेथड भी हो सकती है, एक्सपेंडिचर मेथड भी हो सकती है, वैल्यू एडेड मेथड भी हो सकती है, और हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे डेटा को अलग अलग करके, अलग अलग मेथड से हम क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाय एक्सपेंडिचर मेथड।